नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। हमारा चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे खबरों की ओर। देश के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड में भी 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह देहरादून में परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यहाँ झंडा फहराया है और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित उनके कैबिनेट के मंत्री मौजूद थे। कार्यक्रम में 9 विभागों के साथ यहां आप देखिए झांकियों के साथ सांस्कृतिक विभाग द्वारा 5 विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और पंजाबी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम में गढ़वाली राइफल्स के ही बैंड सहित अन्य बैंड ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक विजेता को मेडल से सम्मानित किया गया। इस वक्त की साफ तस्वीर देहरादून से आप देख रहे हैं, जहां पर परेड की सलामी ली गई है और झंडा भी फहराया गया है। हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाने की कोशिश की गई है। बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से आज यहाँ जगह जगह पर झंडे फहराने का भी आयोजन किया गया था। लोगों ने इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था और उसी उपलक्ष्य पर इस दिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, किस तरह से कार्यक्रम वहाँ रहा? जो 75वां गणतंत्र दिवस आज उत्तराखंड में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, क्योंकि आप देखिएगा कि परेड ग्राउंड में इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया था कि सभी जो अधिकारी हैं वहां पर मौजूद थे, स्वतंत्र सेनानी वहां पर मौजूद थे और उसके साथ ही विधायक और मंत्रीगण भी वहां पर मौजूद थे। और आज जो परेड की सलामी ली है वो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने ली है और उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर सम्मिलित थे। और देखिएगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम आज किया गया है कि वहां पर झांकियां भी निकाली गई है। इसके साथ ही जो परेड की सलामी है वो राज्यपाल लेते हुए नजर आए और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो कहा जाए कि उत्तराखंड की संस्कृति उसको भी बिखेरने का काम वहां पर किया गया, क्योंकि सभी जो स्कूल के बच्चे कहें या फिर कलाकार कहें वो लगातार वहां पर काफी दिनों से तैयारी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज उसको आखिरी समय पर एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड की परेड ग्राउंड की धरती पर किया गया है। अच्छा, अगर धनराज ये जानना चाहें कि जिस तरह से संबोधन भी हुआ और उसके बाद उपलब्धियां भी गिनाई गई, उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह से उपलब्धियां जो है वो सामने रखी गई हैं, आने वाले समय में क्या बदलाव यहाँ उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी उपलब्धियां भी इस स्टेज से सुनाई हैं और जो झांकियां निकाली गई हैं, प्रथम स्थान पर जो झांकी रही है वो सूचना विभाग की रही है और सूचना विभाग की तरफ से जो झांकी तैयार की गई थी इसमें जो उत्तराखंड का पूरा मॉडल यानी कि विकास का मॉडल एक तरीके से पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर विकास कर रहे हैं वो पूरा उसमें दिखाया गया है। और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आगे और अच्छा विकास उत्तराखंड में किया जा सके इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों पर भी रखा है कि अधिकारी और जो गणमान्य लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले कि उत्तराखंड का जो विकास है वो बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी उत्तराखंड सरकार को लगातार कुछ ना कुछ मिलता रहता है और उसके बलबूते पर भी कहा जा सकता है कि विकास के कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं, उन्हें आगे भी बढ़ाया जाएगा। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस उत्तराखंड के देहरादून में भी मनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में तिरंगा फहराया और साथ ही सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस वर्ष को जो विशेषता है वो भी सामने रखी है। इस वर्ष को विशेष बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भगवान श्री राम अपने स्थान पर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है, विराजमान वो अपने स्थान पर हुए हैं, साथ ही उत्तरायण भी यहाँ पर हो चुका है, जिससे शुभ और मंगल होता है। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर शपथ भी ली गई है। देहरादून के अंदर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर भी यहां तिरंगा जो है वो फहराया गया है। धनराज से ही एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यालय के अंदर भी सीएम की तरफ से यहां पर झंडा जो है वो फहराया गया है, किस तरह से वहां पर ये कार्यक्रम रहा और उसके साथ साथ
राम भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर भी बातचीत कही गई। जी बिल्कुल, देखिए आज गणतंत्र दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए थे, और आप देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम रहा है वो आज सुबह से ही व्यस्तता का कार्यक्रम रहा है, क्योंकि सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया था, और उसके बाद वहां पर जो अधिकारी है कर्मचारी है उनको शपथ भी दिलाई थी, और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, और बीजेपी कार्यालय में भी उन्होंने झंडा फहराया है, और झंडा फहराने के साथ साथ सभी देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की बधाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। और इस मौके पर उन्होंने यूसीसी को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है कि जो कमेटी है यूसीसी को लेकर बनाई गई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उसको भी 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो कमेटी है वो यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार कर चुकी है और जल्दी उस यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो विधानसभा सत्र की तारीख है वो भी तय हो चुकी है, 5 फरवरी से ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा और लगभग 3 से 4 दिन का ये सत्र चलेगा, और इसमें यूसीसी को भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा धनराज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाते देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा पुलिस मुख्यालय में यहां झंडा फहराया गया है और परेड की सलामी ली गई। इस दौरान डीजीपी ने सेवा के आधार पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह एवं सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए हैं, और साथ ही पुलिस अधिकारियों को देश और लोकतंत्र के प्रति निष्ठावान रहने की भी शपथ दिलाई गई। सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, और उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वर्ष में भी उत्तराखंड पुलिस अब हमारे संविधान के मूल्यों के अनुरूप हमारे प्रदेश की हमारे देश की सेवा करेगी, नागरिकों के हितों की उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगी, और प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को और बेहतर बनाने के हर संभव प्रयास करेगी। तो देश में गणतंत्र दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आप देखिए देहरादून में परेड ग्राउंड में भी उत्तराखंड का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग सहित 9 विभागों की झांकियां भी यहां पर दिखाई गई हैं, उनकी प्रस्तुतियां हुई हैं, जिसमें प्रथम स्थान विकास और विरासत की थीम पर बनी हुई सूचना विभाग की झांकी को मिला, वहीं दूसरा स्थान ग्राम विकास और तीसरा स्थान उद्यान विभाग को मिला है। पुरस्कार मिलने के बाद सूचना विभाग के ही महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि थीम और रचनात्मक सोच के कारण विभाग को ये पुरस्कार मिला है और पूरे विभाग में पुरस्कार को लेकर उत्साह है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो हमारी सूचना विभाग की झांकी थी इस बार हम लोगों ने विकास और विरासत उसकी थीम पर बनाया था, और आप देखेंगे जो विकास के कार्य हुए हैं, रेल रोड कनेक्टिविटी है, रोपवे की है, या जो सोलर एनर्जी है, जो हमारे होम स्टेज हैं, जो कल्चर है, वो सबको हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से विभाग के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी झांकी को प्रथम स्थान पिछली बार प्राप्त हुआ, इस बार भी किस तरीके से हम इसकी पूरी योजना तैयार करते हैं, किस तरीके से इसको दिखाते हैं? देखिए पिछली बार हमने मानसखंड की थीम को लिया था, इस बार जो विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर और जो हमारी समृद्ध विरासत है उसको भी दिखाने किया है, भारत भर में भी हमारी ये झांकी सम्मिलित हुई है, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ हैं और जो हमारी विरासत है उसको हम लोग एक राष्ट्रीय फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाने में कामयाब रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में यहां झंडा फहराया गया है, और आप देखिए किस तरह से कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने झंडा फहराया और सलामी भी ली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दी है। करण महरा ने कहा
कि आज ही के दिन से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहां संविधान की रक्षा अपनी जान देकर करने और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली है। देखिए, हमने गणतंत्र दिवस की सबको बधाई दी है और सेवा दल का कार्यक्रम था, उसमें झंडारोहण होता है, वो पूरे राष्ट्र में आज किया जाता है। साथ में आज हम लोगों ने संविधान की जो मूल आत्मा है उसकी शपथ भी ली है और हमने प्रण किया है सभी कांग्रेस जनों ने कि हम लोग संविधान की रक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़े, हम लोग तत्पर रहेंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की सुरक्षा करने के लिए, उसकी मूल आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत काम करेंगे। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी ड्राफ्टिंग कमेटी का कुछ कार्य शेष बचा हुआ है और इसके लिए उनका 15 दिन का कार्यकाल और बढ़ाया गया है। तो सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट मिलेगा सरकार आगे की कार्यवाही शुरू करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जब तक यूसीसी ड्राफ्ट सामने नहीं रखती है या फिर सामने नहीं आता है तब तक इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम यहाँ नरेटिव चला रही है और उसके साथ साथ आप देखिए नरेटिव को सेट करना चाहती है, जबकि इसमें यह भी देखना होगा कि उत्तराखंड की आदिवासी जनजाति थारो और बॉक्सा भोटिया एससी एसटी के अधिकारों का इसका कितना प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है, यानी कि इन सभी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा। इस तरह से बयान जारी किया गया। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूंकि काम करना है इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। देखिए, यूसीसी में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया है क्या इसके अंदर है। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बीजेपी इससे केवल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि यूसीसी के अंदर अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि आदिवासी के अधिकारियों का इसमें कितना अतिक्रमण होगा। जौनसारी भावर में रहने वाले हमारे बुक्सा थारू, हमारे भोटिया जनजाति, हमारे एससी ओबीसी एसटी, इनको जो अधिकार हमारे संविधान में मिले हुए हैं उनमें कितना अतिक्रमण होगा या उसमें क्या उनका इसका प्रभाव पड़ेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इससे इन सभी को प्रभाव पड़ना है और हम कह रहे समान नागरिक जो अधिकार है वो केवल जातिगत और इसमें क्यों, समान अधिकार तो फिर समता का अधिकार तो आपको आर्थिक भी होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, तो उन सभी विषयों पर क्या सरकार का रुख है, क्या कमेटी का रुख है, यह अभी जानना होगा और उसी के बाद इसमें कुछ कहा जा सकता है। विकासनगर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। विकासनगर में यहां झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने झंडा फहराया है और परेड की सलामी ली है। इस अवसर पर नगरपालिका हरबटपुर के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आज जो पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसी के उपलक्ष्य में तहसील परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया है और सभी लोगों ने जो हमारे संविधान में प्रदत्त जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने के लिए शपथ ली है और सभी लोगों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोगों को हमसे हमने अपील की कि जो संविधान निर्माताओं ने जो मूल्य और हमारे बलिदान जो लोग थे उनके द्वारा जो एक हमारे सपना रचा गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग किस तरीके से प्रयास करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करें। आज जो हमारा मनाया गया है इसमें सबसे अच्छी बात ये रही जो हमारे पुराने बोर्ड के सभी हमारे जो सदस्य थे उन सभी के द्वारा आज यहाँ अपनी उपस्थिति गरिमा उपस्थिति दर्ज की गई और इससे प्रतीत होता है कि ये जो आज हमने अपना झंडा रोहण किया है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस बनाया है ये हमारा सफल गणतंत्र दिवस है। क्या संदेश दिया आपने लोगों को? हमारा यह संदेश है सभी से कि
नगर पालिका का जो उद्देश्य है कि नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका से लगता हुआ क्षेत्र हमेशा साफ रहे, सुंदर रहे और स्वच्छ रहे। विकासगर बार एसोसिएशन हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बना रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन पूर्ण स्वराज नहीं मिला था, और जब तक किसी भी देश का अपना संविधान ना हो, किस संविधान से देश चलेगा, उसके लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पास किया गया, लागू किया गया। और संविधान लागू होने के बाद ही हमारे देश के सन 1951 में फिर हमारे देश का चुनाव हुआ, जिसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। जब तक किसी देश की आत्मा, जब तक संविधान नहीं होगा, वो देश आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ये जो संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो बनाया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई। संविधान ऐसा बनाया गया कि जिन लोगों ने संविधान बनाया वो लोग भी संविधान से ऊपर ना हो। हर व्यक्ति के लिए संविधान बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी जाति विशेष से हो। गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया जाता है, और इसी क्रम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यहां एसएसपी देहरादून अजय सिंह व 6 अन्य पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों का भी नाम चयनित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा पदक मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान मिलना सबके लिए गर्व की बात है, और उन्होंने कहा कि इससे ना सिर्फ गौरव महसूस होता है बल्कि आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने कहा उनकी कोशिश यही रहेगी, आने वाले समय में भी वो बेहतर काम करेंगे। देखिए, देश के राष्ट्रपति से सम्मानित होना सभी के लिए गर्व की बात है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं और जो जूनियर्स हैं, उनको भी इसमें कुल मिला के 6 लोग को उत्तराखंड से पदक मिला है। बहुत गर्व की बात प्रदेश के लिए भी है और समस्त पुलिस फोर्स के लिए इसलिए होती है कि जो कहीं आप अच्छा काम करते हैं उसका रिकग्निशन मिलता है और एक अच्छा और काम करने के लिए और मोटिवेशन मिलता है। तो मैं अपने सभी साथियों को जिनको भी पदक मिला है उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी को ये जिस तरह की पदक से मिलने के बाद जो मोटिवेशन बनता है, तो मैं उम्मीद करूँगा मोटिवेशन के बाद और अच्छा काम हमारे लोग करेंगे, हम भी करेंगे और आगे भविष्य में इस तरह के और पदक उत्तराखंड पुलिस को मिलेंगे। श्री रामलला के दर्शनों के लिए इस समय पूरे देश में राम भक्त अयोध्या का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 2 फरवरी को अपने कैबिनेट सहित अयोध्या जाएंगे और श्री रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा भाजपा भी अपने कार्यकर्ताओं को रामलला के दर्शन के लिए भेजेगी और प्रत्येक जिले से 10-10 कार्यकर्ताओं को भाजपा सेवा कार्यों के लिए अयोध्या भेजेगी। देखिए, कांग्रेस को तो जो हमेशा राम विरोधी रही हो और जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा हो, उनको उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अगर कोई धार्मिक स्थल और भगवान राम के दर्शन करने कोई जा रहा हो तो निश्चित रूप से उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाना है। लेकिन पूरी दुनिया, हमारे देश के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आने के लिए उत्साहित हैं, और जिस प्रकार से लोगों के द्वारा जो वहाँ पर उत्सुकता दिखाई जा रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोग भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अगर अपने कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन कर वहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रदेश की उन्नति के लिए अगर वो वहाँ पर कामना करते हैं, तो निश्चित रूप से बिल्कुल सराहनीय फैसला मुझे लगता है उनका है। क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे भाई जी? मैंने पहले ही कहा, देश के नहीं, दुनिया के लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आना चाहते हैं, और उत्तराखंड का जनमानस तो भगवान राम के प्रति वैसे भी उनका हमारा आस्था का केंद्र है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी भगवान राम के दर्शन के करने के लिए अयोध्या जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को वहां पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगी और सभी लोग भगवान राम का दर्शन करें, ये हम सब लोग चाहते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष करण बाहरा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा नेताओं को समिति में जगह दी गई है। और समिति के गठन की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, इसको देखते हुए कमेटी बनाना जरूरी हो गया था।
निश्चित रूप से आपके चैनल को माध्यम बनाकर अपने सभी साथियों को जिनको इलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली है उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और बहुत जल्द इसकी बैठक प्रस्तावित है, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसका गठन हुआ है और जो पैनल में नाम हमारे प्रभारी लोग देंगे उन पर विचार मंथन होगा और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो भी जनाधार वाला कैंडिडेट होगा उसके नाम पर मोहर लगाने का काम ये कमेटी करेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इसके लिए पुनः बधाई शुभकामना। तो बीते दिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार की जो कैबिनेट है इसमें कई निर्णय के क्रम के बाद में या किस तरह से काम किया गया, बार एसोसिएशन देहरादून को 5 बीघा भूमि 30 साल के लिए लीज पर देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार का आभार जताते हुए कहा कि साल 2014 के ही बाद उनकी ये मांग लगातार चल कर आ रही थी जिसको धामी सरकार ने फिलहाल पूरा कर दिया है और जल्द ही यहां पर चैम्बर का निर्माण कर अधिवक्ताओं को इसका पूरा लाभ जो है वो दिया जाएगा जिससे वे अपनी वकालत का व्यवसाय भी शुरू कर सकेंगे। रामलला विराजमान हुए, हम अधिवक्ताओं को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने हमारी भी समस्या जो चली आ रही थी 2014 से उस समस्या को निदान किया और हमें भूमि आवंटित करी है और आगे भविष्य में बहुत जल्दी उसमें चैम्बर्स का निर्माण करके अधिवक्ताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा ताकि वो अपनी वहाँ से वकालत का व्यवसाय शुरू कर सकें, क्योंकि वकील की आइडेंटिटी ही उसका चैम्बर्स है और ये सभी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट का, सभी भाजपा विधायकों का बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या जो 2014 से चली आ रही थी उसका समाधान किया। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी को इसके लिए बधाई देता हूँ जिन्होंने अपना समय छोड़ करके जहाँ भी उनको लगा कि जिससे बात करनी है उसके पास गए और समस्या का निदान किया, चाहे उसमें हमारे जुडिशियल अफसर हों। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज तिवारी सर का, हमारे जिला जज साहब का, हमारे सेक्रेटरी एलआर साहब का और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, चाहे वो ACS आनंद वर्धन साहब हों, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू सचिन कुर्बे सर हों, चाहे हमारी जिलाधिकारी DM सोनिका मैम हों, हमारे पूर्व SDM दुर्गापाल सर हों, सबका बार एसोसिएशन देहरादून तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। सरकार भले ही प्रदेश भर में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करती हो लेकिन जनपद उधम सिंह नगर में यहाँ जसपुर के गांव बीरपुरी का राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और स्कूल की इमारत झरझर व्यवस्था में देखी गई है और झरझर अवस्था की वजह से बच्चों को काफी परेशानियां, लेकिन विद्यालय की नई बिल्डिंग बनने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे यहां पर उसी झरझर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल बूथों का निरीक्षण करने बीरपुरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग तो पुरानी है लेकिन स्कूल की नई बिल्डिंग भी बनकर लगभग तैयार है जिसके लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा और जल्द से जल्द इसे शिक्षा विभाग को हैंडओवर करें ताकि बच्चे नई बिल्डिंग में सुरक्षा के साथ और अच्छे माहौल में पढ़ सकें। नहीं, यहाँ पे कि वो बिल्डिंग तो खैर पुरानी है लेकिन अब नई बिल्डिंग भी लगभग तैयार है और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको हम निर्देशित करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हैंडओवर करें शिक्षा विभाग को ताकि बच्चे नई बिल्डिंग में जो हैं सुरक्षा के साथ और अच्छे उसमें माहौल में वो पढ़ सकें। तो अभी जो यहाँ पे सहायक अध्यापक है उनके द्वारा बताया गया कि जल्दी इसमें जो है काम पूरा हो जाएगा और जल्दी जो है अगली बरसात से पहले बच्चे जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और जो पुरानी बिल्डिंग को भी इसमें यदि इसका सुरक्षित नहीं है तो मैं शिक्षा विभाग से कहूँगा कि इसको ध्यान में रख के इसको जो है डिसमेंटल करके ताकि बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खेलने के लिए भी जगह निर्मित हो सके, तो ये निर्देश दिए गए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।